टीपू सुल्तान की कई कहानियां तो सुनी होगी आपने, लेकिन एक अंगूठी जो टीपू सुल्तान पर थी जिसमें राम का नाम लिखा था। 18वीं शताब्दी के भारतीय शासक टीपू सुल्तान से जुड़ी अंगूठी लंदन में नीलाम की गई है। सोने से बनी इस अंगूठी को करीब 125 करोड़ रुपए में क्रिस्टीन नीलामी हाउस द्वारा नीलाम किया गया। बताया जाता है कि अंगूठी मुस्लिम किंग टीपू सुल्तान की है। अंगूठी की खास बात यह है कि टीपू एक मुस्लिम शासक थे, जबकि इस अंगूठी पर हिंदू भगवान राम का नाम लिखा हुआ है। टीपू सुल्तान को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले शासक के रूप में भी जाना जाता है। राम नाम लिखी इस अंगूठी को ब्रिटिश जनरल ने टीपू सुल्तान से शव से निकाला था। 31.2 ग्राम की इस सोने की अंगूठी को एक अनजान शख्स ने 10 गुना ज्यादा बोली लगाकर खरीदा है। क्रिस्टीन नीलामी हाउस की वेबसाइट के अनुसार अंगूठी पर देवनागरी भाषा में भगवान राम का नाम लिखा है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि टीपू सुल्तान पूर्व के मुस्लिम शासकों की तुलना में हिंदुओं से ज्यादा सहानुभूति रखते थे। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।